जी, मैं गई थी शॉप पे, आने के बाद चाय लेने के बाद ये भी चले गए थे, मैं भी चली गई थी। फिर मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि ये ग्रोसरी मुझे दिख रही थी रखी हुई कि बहुत ज़्यादा मतलब काम फैल जाएगा मेरा कल, ये अपने ऑफिस, फिर अपने कॉलेज एंड अपने स्कूल, और स्कूल सॉरी अपनी शॉप। अभी स्कूल नहीं है उसका, खुलेगा स्कूल अभी, एक हफ्ता है उसके पास, 8-9 दिन है तो उसका स्कूल भी खुल जाएगा। और मैंने सोचा कि आपको ये साथ साथ मैं दिखा भी दूं और इसको लगा भी दूं, क्योंकि जो दालें वगैरह हैं वो तो सारी मैं डब्बों में भर ही दूंगी, और डब्बे तो लगभग खाली हैं, एक दो दाली बची हुई हैं, तो फिर इसको बाकी को मैं लगा दूंगी। फिर अकेले ना कल इतना काम होगा नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ शॉप से, कुछ काम था इसलिए मैं गई थी, ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटे के लिए गई थी बस, आ गई हूँ। अब मैं ग्रोसरी आपको दिखाती हूँ, लगा ली है मैंने, जग मतलब निकाल के रख ली है गाड़ी में, कुछ तो हम ऐसे ही भर के लाए थे, तो इसको मैं साथ साथ आपको दिखा देती हूँ। चलिए तो मैं आपको ग्रोसरी दिखा दूँ, फिर इसको लगा दूँ, और फिर जब तक हो जाएगा पूजा का टाइम, खाना बनाने का टाइम। चलिए देख लेते हैं ग्रोसरी। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए साबुन नहाने वाले दुनिया भर के, लक्स है, डव है, और ये तीन तीन के पैक हैं, और ये है डिटॉल, समर में अच्छा रहता है, तो ढेर सारे तो हो गए हैं नहाने के साबुन। और यहाँ पे ये है जो स्टील का जूना होता है, वो स्पंज है, स्पंज वाले स्कॉच ब्राइट, और ये जो टाइल्स वगैरह साफ करते हैं फ्लोर, ये हो गया है ये आइटम। और इधर सारा लॉन्ड्री का आइटम है, ये देखिए, ये इस तरीके के ले आते हैं और फिर इसको ना बोतल में भर लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा आता है, तो ये 2-2 kg के हैं। और ये है विम जेल, तो ये सारा ये हो गया, लाइजोल और जो हार्पिक वगैरह है वो रखा हुआ है, तो ये हो गया है सब कुछ नहाने धोने का। और यहाँ पे है 3 बोतल ये कोल्ड ड्रिंक की। अब जो है ये है आम का अचार, ये छोटा ही पैक है क्योंकि अब सीजन आ रहा है। सेजवान सॉस, और ये है चॉकलेट सिरप, चिली फ्लिक्स, वैसे तो घर में बन ही जाते हैं, मैं घर में दर दर ही कूटती हूँ, लेकिन ये ले आए। और फ्रिज की बोतल, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल चल रहा है सीजन, सबके घर में खरीदनी है ये। और ये बोतल है देखिए, ये वाली प्रेस्टीज की बोतल है, ये ठंडे वाले जो ठंडा पानी, एक जो है अंश के स्कूल में जाएगी, अंश का स्कूल खुलने वाला है, और ये एक ये ले आए हैं, ऑफिस में लेके जाते हैं ना तो ठंडा पानी रहेगा, ये देखिए इस तरीके से। और इनकी MRP जो है इस बोतल की 900 है, डिस्काउंट मिला होगा जो भी मिला होगा। ये फ्रिज की हो गई, और श्रेय देखो, श्रेय ने ये अपने लिए मंगवाई है कि मैं कॉलेज ऐसी नहीं लेके जाऊंगा, वो ठंडे पानी वाले नहीं मंगवाई, ये मंगवाई है, उसे ये पसंद आई, इस तरीके की सिंपल बोतल एक उसने ये अपने लिए मंगवाई है। और अब आ जाते हैं यहाँ पे खाने पीने का, पापड़, और सबसे पहले पूजा से रिलेटेड धूप बत्ती, जिसमें गूगल है और सैंडल है मतलब चंदन, ये दोनों हैं। ये है, कभी सैंडविच वगैरह में काम आ जाए, वैसे तो ज़्यादा हम इसको पसंद नहीं करते हैं बच्चे भी, पर मैं छोटा ये एक ले आई। टूथब्रश, और यहाँ पे हैं हमारे सारे मसाले, ये सारे मसाले, हींग हो गया है सारे, कुछ पाउच में हैं, ये काली मिर्च हैं, इलायची हैं, और ये सारे पैकेट वाले मसाले हैं, कुछ हैं भी घर में, सारे नहीं हैं मतलब जितने ख़त्म थे। और ये है सेंधा नमक, जो व्रत वाले खाना खाने में होता है, व्रत वाला खाने वाला नमक, और ब्लैक सॉल्ट भी था, ये है ब्लैक सॉल्ट। ये है जो गरम मसाले में ना सारे मोटे मसाले होते हैं, जैसे दालचीनी हो गई, चक्री फूल, जावित्री, इसमें सारा कुछ मिक्स है। अगर हम इसका गरम मसाला बनाना से चाहें तो इसमें सिर्फ जीरा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे खड़े मसाले हम यूज़ करते ही हैं उसमें ये काम आ जाएंगे, तो जैसे भी मतलब चाहिए वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे मसाले इसमें मिक्स हैं, बस एक जीरा नहीं है। तो ये है, ये हो गया जीरे का पैकेट, और जीरा बहुत महंगा हो रहा है जीरा, ये हाफ के जी का है ना। और 2 पैकेट हैं नमक, एक और इधर ही होगा, ये नमकीन के 2 पैकेट, देखो भाई मुरमुरे,
भेलपूरी बनाओ या फिर ऐसे खाओ कुरकुरे मुरमुरे बोलते हैं हम तो इनको। खड़ा धनिया, साबुत धनिया, लाल मिर्ची सूखी, पॉपकॉर्न और नमक के, हाँ ये पड़े दोनों नमक के, आशीर्वाद है ये। ये देखिए क्या लेके आए हैं, ये पतिदेव लेके आए हैं तवा नान। ये मिक्सचर है, पहली बार इसको मैं यूज़ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी जब भी यूज़ करूँगी। ये है वड़ा MTR वाला, जिसका अभी मैंने इडली बनाई थी, वड़ा मिक्सचर जो कि रेडी है, इनको बस घोलो और यूज़ करो। गुलाब जामुन, ये अंश का मन हो रहा था तो सबकी अलग अलग पसंद है। रस के 2 पैकेट हैं, मिल्क पाउडर है एवरीडे का, नेस्ले का जो ये होता है यही मैं यूज़ करती हूँ। सूजी है, दलिया 2 पैकेट मैगी के हैं, और ये हैं वर्मी सैली जवे, उनको जवे बोलते हैं, ये है जवे वर्मी सैली। और सारी ये दालें हैं मैदा, और ये है चावल का आटा, मैदा, सारी दालें, सोया चंक्स, पोहा, बाकी ये छोले, राजमा, और जो है कुछ दालें हैं पैकेट वाली और कुछ दालें हैं यहाँ पे लूज़ इस तरीके से, जो कि वेट करवा के लेते हैं, वो हैं ऑल आउट रिफिल, गर्मी में मच्छर के काम जरूर आएंगे, ये तो ज़रूरी है। बेसन 1 kg राजधानी का बहुत अच्छा रहता है। और ये है हमारा पास्ता, इस बार ये लेंथ वाला है जो लंबा लंबा होता है ना, नहीं तो मैक्रोनी ज़्यादा रखती हूँ मैं। और अब जो है अब आ जाते हैं हमारे बिस्किट, ये हैं 2 पैकेट, इनको ये लेते हैं, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। और 2 ये हैं पैकेट, ये है कोकोनट, ये मेरा फेवरेट और मेरे रैबिट भी खाते हैं इसको, और ये हमारे रैबिट फेवरेट पार्ले जी, वो बटर वाले नहीं खाते हैं, वैसे तो सभी खाते हैं, खैर हम भी खाते हैं। ये है मक्खन बटर, और ये है चीज़ का 1 पैकेट, चीज़ पहला भी रखा हुआ है, वो भी यूज़ नहीं करा, और ये एक ट्रे बहुत ही प्यारी सी मुझे लग गई, हालांकि छोटी ट्रे है लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई। इसकी MRP तो मैं बता ही सकती हूँ, 129, 130 इसकी MRP है, बहुत प्यारी ट्रे है छोटी सी। आज मैंने आपको साथ साथ ही सामान दिखा दिया, और अब बारी है ये थोड़े से सामान की। ये अपना किचन में काम आता ही है किचन पेपर, ये अभी भी रखा हुआ था तो छोटा पैकेट ही मैं लेके आई हूँ। और ये सामान जो है, एक कहाँ गया हीरा, ये तो ये 3 सामान ये अपने लिए लेके आए हैं, आफ्टर सेव, और यह सेविंग क्रीम, और आज यही दिखा रहे हैं सामान भी कैमरामैन यही बने हुए हैं, ये इनका सामान है 3 आइटम। और ये है मेरे, ये देखिए ये है पॉन्ड्स की क्रीम, और ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी, मैं लैक्मे की करती थी तो इस बार मैं ये लेके आई हूँ। ये एंटी एजिंग भी है, और जो है बाकी आप देख ही लो, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में क्योंकि मैं पहली बार यूज़ करूँगी। एज मेरिकल रिंकल कैरेक्टर, मतलब रिंकल के लिए भी है और डे क्रीम है ये, नाइट भी आती है इसमें, तो इसको मैं पहली बार यूज़ करूँगी। इस तरीके की है, आपने तो यूज़ किया होगा लेकिन मैंने ये नहीं करी। ये हमारे फेस वॉश और स्क्रब हैं, और एक ये है वैसलीन बॉडी लोशन। तो ये मेरे कुछ सामान हैं और कुछ इनके हैं, और एक सामान और हमारा भी बचा है, ऊपर उठाओ कैमरा। ये 2 शर्ट हैं जो कि ऑफर में थी, एक्सल साइज की हैं और कॉटन इनका फैब्रिक है। ये बस मुझे थोड़ा सस्ता आइटम लगा है आज की शॉपिंग में, एक के साथ एक ये ऑफर में थी, और प्राइस भी इनका बहुत ही कम है, 600 में ये 2 हैं और अच्छी खासी हैं। देखो कॉटन है सबसे बड़ी बात तो फैब्रिक। अंश एक अपने लिए लेके आया, हालांकि ये बड़ा साइज है एक्सल है, लेकिन वो थोड़ा बहुत करा लेगा, और वो हेल्दी भी है आपको पता ही है, और आपको भी ये जो है लूज आएगी, आपको भी करानी पड़ेगी, एक्सल बड़ा है इनका, है ना। एक ये लेके आए, एक अंश लेके आया, चाहे ये पहने अंश पहने जो भी, तो ये दोनों शर्ट मुझे अच्छी लगी प्राइस के हिसाब से भी और फैब्रिक के हिसाब से भी, क्योंकि स्टिचिंग भी 400 जाती है। हाँ जी, ये हमारी ढेर सारी ग्रोसरी है,
ये देखिए इस बार ग्रोसरी थोड़ी ज़्यादा आई है क्योंकि लगभग ख़त्म थी और गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी दो चार सामान मेरे दो चार चार नहीं है तीन ही है तीन 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 ही है मेरे भी फालतू का ये है नहीं तो सारी ग्रोसरी है और इसमें ड्राई फ्रूट नहीं है जैसा कि मैंने आपको बोला था वहाँ से हमने ड्राई फ्रूट नहीं लिए कुछ भी। तो ये दो सामान है बस इनको फ्रिज में रख देंगे और बाकी इनको मैं लगाऊंगी। तो सोचा आज ये काम साथ साथ ही मैं निपटा देती हूँ नहीं तो फिर वही है ना शॉप पे जाती हूँ तो कब टाइम निकालूँ। और ये है कि आज तो बस मैं गई नहीं गई थी अभी थोड़ी देर मैं गई थी कुछ काम था फिर मैं साथ ही आ गई हूँ। अब तो शाम का टाइम हो गया है पूजा का खाने का और हाँ आटा भी हम लेके आए हैं। तो ये देखिए आटा इधर रखा हुआ है ये मैंने आपको नहीं दिखाया ये आटा है और 10-10 किलो के पैकेट 20 किलो आटा है और ये ब्रांड ना वही है उनका अपना ब्रांड है जो मतलब मॉल में सामान लाते हैं ना तो उसकी हम दालें वगैरह भी यूज़ करते हैं। अच्छा है यहाँ पे दो कट्टे बोलते हैं हम कट्टे बोरे बैग जो भी आप बोलना चाहें एक चावल का रखा है एक ही रखा है शक्कर का ये दोनों आइटम हैं गाँव के ये हमने खरीदे नहीं है। तो ये भी मुझे मतलब भर के डब्बों में सिंगवा के रखना है ढेर सारा काम है ढेर सारा तो इसको करना है इसीलिए मैंने ग्रोसरी का काम निपटा दूँ अब इसको साथ साथ सेट कर दूँगी सुबह तक ये सारी हो ही जाएगी। और यहाँ पे खाली एरिया था ना बेड पे तो मैंने ये सिंगल बेड है ड्राइंग रूम का तो इसी पे डाल दिया है सारा सामान इतना सामान था सामान ही रहा था कहीं टेबल पे आता ना कहीं पे आता तो मैंने चलिए यहीं पे सारा रख लेती हूँ और एक बार आपको दिखा भी देती हूँ क्योंकि ढेर सारी ग्रोसरी थी और फिर लेके तो आ गए फिर आप बोलते कि दिखाया नहीं क्या लेके आए हो। तो ये देख लीजिए ये हमारी ग्रोसरी है मंथली ग्रोसरी शॉपिंग आज की जो है टाइटल रहेगा एक महीने की ये हमारा है सामान। ये नहीं होता कि मतलब इसमें कुछ फिक्स होता है जो ख़त्म हो जाता है वो बीच में आ जाता है या फिर ज़्यादा भी कुछ सामान चल जाते हैं जैसे कुछ सामान ऐसे होते हैं जैसे कोई दाल ज़्यादा आ गई तो वो ज़्यादा चलेगी मसाले तो ज़्यादा चले ही जाते हैं तो ऐसा है। और मसाले में भी सारे नहीं है जैसे हल्दी पाउडर नहीं है जो मतलब था वो तो है ही नहीं और चावल हम इसमें करते ही नहीं ऐड जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया वो नहीं है सरसों का तेल हमारा गाँव का तो ये तो कुछ आता ही नहीं है चीज़। तो जी बस अब मैं जो है मैं पूजा करूँगी और सोच रही हूँ वीडियो का एंड यहीं पर कर दूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी काफ़ी हो गई है सामान काफ़ी था और फिर लेने देने में हालांकि वीडियो में आज ज़्यादा कुछ था नहीं आज सिर्फ व्लॉग सेपरेट ग्रोसरी का ही है। तो कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग।